कांग्रेस परिवार और कांग्रेस के नाम पर सवाल उठाने वाले ऋषि कपूर के समर्थन में अनुपम खेर आ गए हैं। दिग्गज अभिनेता और बेबाक बोल के लिए जाने जाने वाले अनुपम खेर ने अपने साथी कलाकार ऋषि कपूर का गांधी परिवार पर दिए गए आलोचनात्मक बयान का समर्थन किया है। ऋषि ने मंगलवार रात ट्वीट में अप्रत्याशित रूप से नेहरू गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि आखिर देश की लगभग सभी संपत्तियों के नाम नेहरू गांधी परिवार पर ही क्यों है। इस टिप्पणी का समर्थन करते हुए अनुपम ने कहा कि इसे राजनीति से प्रेरित बयान के लहजे से न देखकर गंभीर रूप से देखा जाना चाहिए। अनुपम ने सिनेमा, क्रिकेट और कला सहित अन्य क्षेत्रों के दिग्गजों को पहचानने की महत्ता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी योजना किसी भी राजनीतिक नेता के नाम नहीं है। ये स्टेटमेंट पढ़ेगा उसको इस बात का एहसास तो होगा कि ये सच है, तो फैक्चुअली इसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है कि ऐसा है, नहीं तो यार। सो वेदर इट्स मेंबर्स ऑफ द प्रेस, वेदर इट इज अ कॉमन मैन, वेदर इट्स एनीबॉडी, सो देयर इज अ ट्रूथ दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस आर नेम्ड आफ्टर गांधीज और द फैमिली ऑफ देयर्स। So I don't think he has said something very which is provocative or something like that. And yes, it did occur to me. हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होना नहीं चाहिए. And I think because the contribution of the other people who achieve a lot for the country is phenomenal. ट्विटर पर मंगलवार को किए गए अपने कई ट्वीट्स में ऋषि ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि पूर्व कांग्रेस सरकारों ने देश के महत्वपूर्ण स्थलों के नाम गांधी नेहरू परिवार के नामों पर रखे हैं। ऋषि ने मंगलवार रात ट्वीट किया, हमें देश की महत्वपूर्ण संपत्तियों के नाम समाज में योगदान देने वालों पर रखना चाहिए, हर चीज गांधी परिवार के नाम, मैं सहमत नहीं हूँ। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ने आगे लिखा, कांग्रेस द्वारा गांधी परिवार के नामों पर रखे गए भारतीय संपत्तियों के नाम बदले जाएं। बांद्रा वर्ली सीलिंग का नाम लता मंगेशकर या जेआरडी टाटा लिंक रोड हो, बाप का माल समझ रखा था। वहीं ऋषि के इस बयान पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने स्वयं को अच्छा साबित करने के लिए गांधी परिवार को निशाना बना रहे हैं वही ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो बात ऋषि कपूर ने कही उसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर देखा जाए तो। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।